हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आकृति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आलू की सब्ज़ी बनाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल अलग तरीके से। तो ये आलू की सब्ज़ी हम बच्चों के लिए बनाने वाले हैं। बच्चे क्या बड़े भी मांग मांग के इसे खाएंगे, इतना टेस्टी लगता है खाने में। बच्चे तो खाना खाने में अक्सर झिझक करते हैं, लेकिन ये सब्ज़ी पाएंगे तो एक रोटी क्या चार चार रोटियाँ खा जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आलू की सब्ज़ी आप अपने बच्चों के लिए एक बार ज़रूर बनाइएगा, उनको बहुत पसंद आएगी। तो मैंने यहाँ पर 300 ग्राम आलू लिया है, इसका छिलका उतार के इसको मोटा मोटा कट कर दिया है। 6 हरी मिर्च और 10 ग्राम लहसुन लिया है मैंने, जिसको छोटा छोटा कट कर लिया है। अगर आपके बच्चे कम तीखा खाते हैं तो आप कम मिर्च लीजिएगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दिया है गरम होने के लिए। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, और जैसे ही हमारी कढ़ाई गरम हो जाएगी हम इसमें 4 चम्मच तेल डाल देंगे। तो तेल मैं सरसों का डाल रही हूँ, आप कोई भी तेल इसकी जगह पे ले सकते हैं। तेल को हम अच्छी तरह से गरम करेंगे ताकि इसका स्मेल निकल जाए। इसके बाद हम इसमें कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे, और चलाते हुए इसे गोल्डन कर लेना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे हमें इसे गोल्डन करने में। और जैसे ही हमारा लहसुन और मिर्च गोल्डन कलर का हो जाएगा, हम इसमें कटा हुआ आलू डाल देंगे, और इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट हम भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा नमक इसमें डाल सकते हैं। और नमक डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से चलाते हुए मिला देंगे। नमक मिलाने के बाद हम इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट हो गया है, तो हम इसको एक बार चला देते हैं। और चलाने के बाद हमें फिर से इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट पकाना है। तो ये देखिए सब्जी को मैंने 2 मिनट और पका लिया है। इसके बाद हम इसको चला के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और फिर हम इसे ढक के 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे और पका लेंगे, ताकि हमारे आलू जो हैं वो 70% तक कुक हो जाएँ। तो ये देखिए मैंने फिर से इसको 2 मिनट तक पका लिया है, और हमारे आलू भी 70% तक कुक हो गए हैं। इसको और भी चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए हम यहाँ पर 1/2 चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर राजेश का जो 1 रुपए का पैकेट आता है सब्जी मसाला, वही डाल रही हूँ। आप जो भी सब्जी मसाला खाते हैं आप उसे डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही डालेंगे तभी टेस्टी होगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 70% कुक करके आलू की सब्ज़ी में मसाला क्यों डाला, मैं पहले भी तो डाल सकती थी, लेकिन पहले डालने से मसाले जो हैं पकाते पकाते जल जाते हैं और उसका स्वाद भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप जब भी आलू की सब्ज़ी बनाएं तो आलू को 70% तक कुक करके ही मसाला डालें, तो वो सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी होती है। मसाले को चलाते हुए हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर हम इसे ढक के 2 से 3 मिनट पकाएँगे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो हम एक बार इसे और चला देंगे, और चलाने के बाद हमें इसे ढक के 2 से 3 मिनट और पका देना है, ताकि हमने जो मसाला डाला है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। और 2-3 मिनट पकाने के बाद हम इसे एक बार फिर से चला के मिला देंगे। तो ये देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। इससे ज़्यादा हमें और नहीं पकाना है इसे, इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। और चलिए फटाफट से हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। और आलू तो बच्चों का फेवरेट होता ही है, और आलू की सब्ज़ी अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो बच्चे तो रोज़ मांग के यही खाएंगे। तो आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और आकृति की रसोई को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।